वीडियो में हम ऑनलाइन तरीके से जीरोधा से डिविडेंड स्टेटमेंट को डाउनलोड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम में सर्च करना होगा जीरोधा गाइड, उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा हो लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे लॉगिन वाले, तो आप अपनी यूजर आईडी पासवर्ड आते हैं लॉगिन कर लेंगे। चलिए हम इसमें कर लेते हैं। अभी हम देख सकते हैं सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद आपको ऊपर की ओर दाईं तरफ एक लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर आपका क्लाइंट कोड लिखा होगा, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आपके सामने बहुत सारे विकल्प खुल के आएंगे, तो आपके यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कंसोल, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप ऊपर की ओर देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ रिपोर्ट्स, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। बहुत सारे विकल्प खुल के आएंगे आपके सामने, तो आपको लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड्स, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे डाउनलोड स्टेटमेंट्स वाले पेज पहुंच जाएंगे, तो आपको ऊपर की ओर बाएं तरफ दिखाई दे रहा होगा एक लाल एरो जहाँ पे दर्शाया जा रहा है कॉन्टैक्ट नोट, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। सामने एक दूसरा पेज खुल के आएगा, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे विकल्प दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे एरो से यहाँ पे दर्शाया जा रहा होगा नीचे लिखा हुआ डिविडेंड स्टेटमेंट, तो आपको उसको चुन लेना है। तो आपको अपना फाइनेंशियल ईयर चुनना है, तो आपको एरो जहाँ पे दर्शाया जा रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। बाद आपको यहाँ पे दूसरा पेज खुल के आएगा, तो आप यहाँ पे पिछले जितने भी फाइनेंशियल ईयर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, तो आप यहाँ पे पिछली फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2022 और 2023 की हम डाउनलोड करने वाले हैं, तो हम इसको चुन लेंगे। बाद आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर एक डाउनलोड वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। हमने पॉपअप विंडो आएगी, तो आपसे यहाँ पे फाइल डाउनलोड करने के लिए कहेगा, तो आपको उसको फाइल को डाउनलोड कर लेना है, तो आपको क्लिक कर देना डाउनलोड करे पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे डिविडेंड स्टेटमेंट है आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे ऊपर आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी, जैसे क्लाइंट आईडी, क्लाइंट नेम, पैन नंबर, और यहाँ पे आपकी जो सिंबल में आपको जो कंपनी के नेम दिखाई दे रहे होंगे बाई साइड को, जो पूरे देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक, और उसके बाद उसका ISIN नंबर दिखाई दे रहा है, डेट दिखाई दे रही है कब हमने इसको बाय की, कितनी क्वांटिटी बाय की है, और हमें यहाँ पे कितना यहाँ पे डिविडेंड रिसीव हुआ है हर एक यहाँ पे जितने भी अलग अलग कंपनी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नेट डिविडेंड अमाउंट, तो ये हमें यहाँ पर डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है। तो अगर आप भी चाहें तो सेम प्रक्रिया से स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन तरीके से जीरोधा में जाकर अपने डिविडेंड स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।